लेकिन एक मीडियोकर लेवल से लेके इस लेवल तक आने का सपना हर बच्चा देखता है। बोलो। अप्रैल 2018 में मैं कोटा आया था ये ड्रीम लेके कि जब 2020 का नीट एग्ज़ाम होगा तो कम से कम सिलेक्शन में लेके जाऊंगा। तब नहीं सोचा था, फैमिली बैकग्राउंड में कोई डॉक्टर नहीं था, सो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था खुद से। और फिर धीरे धीरे एलएन में आया तो प्रॉपर गाइडेंस मिला, प्रॉपर मोटिवेशन मिला, फिर खुद से लगने लगा कि हाँ शायद मेरा भी टॉप 100 में या टॉप 500 तक सोचा था पहले तो 11th में कि टॉप 500 में चलो हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया 12th में स्कोर्स और हाई आने लगे, अराउंड 700 12th में बनते थे, मतलब उसके आसपास रहते थे। तो तब सोचा था कि हाँ कम से कम टॉप 100 या टॉप 50 तक हो जाएगा, इतना तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 720 फुल आ सकेंगे। और धीरे धीरे हुआ है, जो भी हुआ है, जो अगर मेरा मार्क्स का अगर आप ऐसा कर बनाते हो तो धीरे धीरे राइज करता दिखेगा। और एक टर्निंग पॉइंट ये था कि जो कोविड के वजह से लॉकडाउन हुआ उसको मैंने अच्छे से यूज़ में लिया, मैं घर नहीं गया स्टार्टिंग से ही, अप्रैल 2018 से जब मैं आया था अब तक मैं एक बार भी घर नहीं गया। मैंने जो अपने पापा मतलब मेरी मम्मी और मेरी बहन साथ रहते थे, मेरी छोटी बहन, और जो पापा रहते थे वो राउरकेला उड़ीसा में रहते थे। पापा को मैंने बोला था कि मैं अगर जब मेरे ड्रीम्स को मैं अचीव कर लूँगा तो ही मैं घर आऊँगा, वैसे मैं घर नहीं आ रहा, और शायद आज वो हो पाया है। और फिर हमेशा ये फोकस रहता था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके उतना स्कोर करूँ और एग्ज़ाम टाइम में काम रहूँ। जैसे बहुत मतलब इस बार जैसे कोरोना के वजह से एग्ज़ाम बहुत बार पोस्टपोन होते जा रहा था, तो एग्ज़ाम टाइम पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो फिर भी यही गोल था कि मतलब काम रहना है, 3 आवर्स का जो टाइम है उसको फुल यूज़ में लेना है। मम्मी ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए, और शायद इसी वजह से जो एलएन के जो फैकल्टीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। कोविड के टाइम पे भी वो हमारे टच में रहे, कॉल से, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बहुत कुछ, और बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत सपोर्ट किया करते थे। कभी अगर मार्क्स कम भी आ जाए तो पहले उनका कॉल आता था एग्जैक्टली, और मोटिवेट करने के लिए कॉल करते थे, ना कि इस वजह से कि मार्क्स कम हो गए। और मार्क्स ज़्यादा आए इससे पहले मार्क्स कम आने पे कॉल्स आते थे और अच्छे से मोटिवेट करते थे, कभी ऐसा नहीं बोला कि मार्क्स क्यों कम हो गए या ऐसा कुछ, और सब प्यार से समझाते थे, बहुत अच्छे थे। और शायद उनके वजह से और जो मॉम डैड का जो आशीर्वाद है, मेरे नाना नानी और जो भी है हमारे फैमिली में, हमारे सर्स की वजह से शायद इतना कुछ हो पाया। बस।